मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2021। ठीक है, तो हमने एक ये सॉलिड वर्क्स में मॉडल बना रखा है, इस मॉडल को हम लेके जाएंगे मास्टर कैंप के अंदर और फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, वैसे सॉलिड वर्क्स कैंप में भी इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, पर हम देखेंगे इस मास्टर कैंप के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है। फिर मैं तुम्हारे को सॉलिड वर्क्स कैंप के अंदर भी दिखाऊंगा कि इसका क्या प्रोग्राम जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना है इस फाइल को सेव एज कर लेना है। तो सेव एज हम स्टेप फाइल भी कर सकते हैं, पैरासॉलिड भी कर सकते हैं, IGS भी कर सकते हैं, तो सब सॉलिड वर्क्स की फाइल भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो मैंने इसको स्टेप फाइल में सेव कर लिया। ठीक है, फिटिंग नाम है इसका। तो हम मास्टर कैम जब खोलते हैं तो ये जो फाइल हमने सेव करी, ठीक है, तो सेव करते हुए यहीं से पाथ कॉपी कर लेना और मास्टर कैम में जाके पेस्ट कर देना। तो ये जगह वही आ गई। अब यहाँ से पैरासॉलिड कर लो, सॉलिड वर्क्स कर लो, जो भी फाइल कर लेंगे वही फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे फाइल का नाम था फिटिंग, तो ये फिटिंग की फाइल है, इसको ओपन कर सकता हूँ मैं। ओके कर सकता हूँ, तो ये सीधी सॉलिड वर्क्स की फाइल हम ओपन कर सकते हैं। तो मुझे STL पैरासॉलिड करने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मुझे करना है, मान लो पैरासॉलिड वाली फाइल चाहिए, तो यहाँ से पैरासॉलिड कर लो और पैरासॉलिड वाली फाइल पर इसको लोड, तो भी ये वैसे ही खुले। तो चाहे पैरासॉलिड हो, चाहे IGS हो, चाहे स्टेप हो, कोई भी फाइल हम इसमें ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, हमारे को बाउंड्री बॉक्स बनाना है इस मॉडल का, ताकि ये लाइनें बन जाए। तो उसके बाद हमारे को इसको ट्रांसफॉर्म करना है मूव टू ओरिजिन, यानी कि मैं इसके बीच में ये पॉइंट हरा हो गया, ये पॉइंट हरा हो गया, और यहाँ पे मैं अपना कोऑर्डिनेट रखना चाहता हूँ, ये सेंटर में आ गया। देखो सारी लाइनों का काम ख़त्म हो गया, तो सभी लाइनें सेलेक्ट करके ब्लैंक कर देंगे और यहाँ से कलर ठीक कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक फोटो खींच रहा हूँ। तो ये हमने फाइल कर ली सेव, खुल गई ना यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे मिलिंग के अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एरिया रफिंग। तो एरिया रफिंग में हम ये कंट्रोल ए दबा देंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा 3500। कितना स्टॉक छोड़ना है फ्लोर में, कितना छोड़ना है वॉल्स में, वो पहले ही बता देंगे हम। इसको 0.2 कर देते हैं, इसको भी 0.2 कर देते हैं। ठीक है, टूल पाथ कंट्रोल में हमारे को बताना है, बाउंड्री फिलहाल मैं नहीं दे रहा ताकि हम देख सकें क्या प्रॉब्लम आती है या क्या ठीक होता है। टूल लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से एक एंड मिल चूज़ कर लेते हैं 20 mm का, ताकि हम रफिंग कर सकें, मोटी मोटा कटिंग कर सकें। कटिंग पैरामीटर में हम उसको बताएंगे कि कितने का कट लगाना है। ठीक है, 0.5 का, 0.7 का, 0.8 का लगा सकते हैं हम, और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसको ओके करते हैं। जेड की ड्यूरेशन का हमेशा ध्यान रखना है कि जेड जिस साइड होगा उसी साइड से टूल आएगा। तो ये हमारा मोटा मोटा मटेरियल कट गया। अब हम देखना चाहते हैं तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्टॉक सेटअप में जाओ, ऑल एंटिटीज दबाओ और ओके करो, तो ये इसका स्टॉक आ जाएगा। अगर स्टॉक आ जाता है तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं वेरीफाई नहीं कर सकता था। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमारा 20 mm के एंड मिल ने इस
मॉडल के ऊपर क्या क्या कटिंग करी है, इसको प्ले करके देख सकते। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी है, पर अभी हमारा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है किसी मॉडल को लाने का, तो जो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सेम प्रोसेस करेंगे तो बहुत इजीली हमारा मॉडल बन जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये मॉडल जो भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ वीडियो शेयर करूँगा तो ये मॉडल भी शेयर कर दूँगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना प्रिसाइज ट्रेनिंग के लिए। तो इसको स्पीड कर लेते हैं फास्ट। ये देखो यहाँ पे ये हमारे को टाइम भी दिखाता है अभी कितनी देर लगेगी इस प्रोग्राम को चलने में। ठीक है ना, रैपिड टाइम कितना लगेगा, रैपिड फीड कितनी, फीड टाइम कितना लगेगा, और ये हमारे को कोऑर्डिनेट भी दिखा रहा है कि एक्स वाई जेड में क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है ना, फास्ट और कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग कर देगा क्योंकि एंड मिल है तो ये बिल्कुल गोल तो नहीं बनाएगा, हमने इसको 0.5 का कट मारा था, ये 0.5 के हिसाब से स्टेप बना देगा यहाँ पे। ठीक है, फिनिशिंग के लिए अलग टूल पाथ लगा सकते हैं हम। तो फिलहाल हमारा ये एंड मिल ऐसे कर कटिंग कर देंगे। हम यहाँ पे अगर स्टॉक मॉडल क्रिएट कर दें तो यहाँ से हम स्टॉक प्लेन है ये हमारे पास, यहाँ से स्टॉक मॉडल ले लेंगे या रेक्टेंगुलर करके स्टॉक सेटअप कर दो। स्टॉक सेटअप करने से जो हमने पहले स्टॉक लिया था यहाँ से वही वाला वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये टूल पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया। कंपेयर किसके साथ करेंगे, हम अपने मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ पे मटेरियल बचा है और कहाँ पे मटेरियल कट गया। ये वाले टूल पाथ को मैं हाइड कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है इसका मतलब होता है इंतजार करो, वेट करो। तो इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो वेट करेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करेगा ताकि हमारे को कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अगर पेशेंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑल्ट एम दबाएंगे, ये हमारे को दिखाएगा कि कितने परसेंट प्रोसेसिंग हो। तो इससे फ़ायदा देखो ये हो गया हमारे को, जहाँ पे भी लाल रंग है देखो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0.5 mm मटेरियल जो है बचा हुआ है। ये लाल का मतलब है 0.5 मटेरियल बचा है, ग्रीन का मतलब है 0.05 से कम। तो जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ वहाँ मटेरियल बचा हुआ, तो यानी कि इस स्टॉक में जितना मटेरियल छोड़ दूँगा मैं यहाँ पर, अगर मैं 0.5 छोड़ देता हूँ तो ये सारे के सारे मॉडल में 0.5 मटेरियल जो है छोड़ देगा। ग्रीन का मतलब है प्रोसेसिंग चल रही है, येलो का मतलब है क्यू में। तो पहले ये ऑपरेशन बनेगा, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन बनेगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई। इस टूल पाथ को मैं हाइड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे सारी जगह पे 0.5 मटेरियल जो है बचा हुआ फिनिशिंग के लिए, तो मुझे बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एरिया मिल है इसके पैरामीटर में जाऊँगा मैं, यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में ये है स्टेप डाउन, भाई हर बार कट कितने का लगाना है। ये है स्टेप ओवर के, ये होता है टूल के डाई का 45%, कम से कम कट कितने का लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कट कितने का लगेगा स्टेप ओवर के। ट्रिकॉर्डियल मोशन, अभी ये देखो ये गोल गोल करके घूम रहा है, ठीक है, तो इसको लग रहे थे एक घंटा कुछ मिनट, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये सीधा सीधा चलेगा। जनरेट करते हैं तो अब देखो ये टूल पाथ जो है थोड़ा सा सीधा सीधा सा हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूं, अभी कैलकुलेशन चल रही है इसलिए वेरीफाई नहीं दिखा रहा, यहाँ से अब वेरीफाई करते हैं तो ये हमारे को दिखाएगा कितनी देर लगेगी। देखो ट्रिकॉर्डियल से हमने सिर्फ
स्ट्रेट किया तो ये 23 मिनट पे आ गया। ठीक है, तो प्ले करके देख सकते हो कि हमारा कहाँ कहाँ मटेरियल कैसे कैसे कटिंग करनी है। अभी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है यहाँ इसके टॉप पे पड़ा है। अगर मैं कोई जैसे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं हम किसी को, तो हम इसको मशीन के ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मशीन सेलेक्ट करेंगे कि हमारी मशीन कौन सी है। यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, तो मैंने इसको बोला मेरे पास 3 एक्सिस VMC मशीन। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक की जगह पे मैं XYZ कर दूंगा क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर पड़ा है, मुझे ये टेबल के ऊपर रखना है। तो जितना इसका डिस्टेंस है, मान लो जेड में माइनस जेड में 150 कर देता हूँ। ठीक है, तो 150 करके इसको एंटर कर देते हैं तो वो हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ से मशीन सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको वेरीफाई जब करूँगा तो यहाँ पे सिमुलेशन में जाऊँगा तो ये हमारे पास मशीन में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इनके 150 जो हमने वैल्यू भरी वो ज़्यादा भर दी। कोई बात नहीं, हमारे को तो सिर्फ चेक करना है। तो हम यहाँ से प्ले करेंगे तो ये हमारे को मशीन के ऊपर भी काट के दिखाएंगे। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, टर्निंग जब करेंगे तो CNC दिखेगी। अभी ये मिलिंग का टूल पाथ है तो मिलिंग दिख रही है, 4X 5X सब मशीनें दिख जाती हैं। ठीक है, ये देखो ये पहले एक साइड कटिंग कर रहा है फिर दूसरी साइड कटिंग कर रहा है। अभी इसमें ये स्पिंडल जो है सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है, ये टेबल आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे XYZ की मूवमेंट भी दिखा रहा है। हमारे सिमुलेशन में जाएंगे तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस कंट्रोल देखना है तो ये एक्सिस कंट्रोल भी दिखा रहा है कि हमारा जॉग में क्या वैल्यू आ रही है। ये ठीक है ना, मशीन कंट्रोल देखने हैं तो मशीन के भी कंट्रोल देख सकते हैं। टूल पाथ एनालिसिस है, कंपेयर भी करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आगे जाके देखेंगे और चीज़ें। ठीक है, फिलहाल हमारा मकसद है सिमुलेशन चलाना और ये रफिंग करना। अभी ये येलो लाइनें बड़ी ऊपर ऊपर जा रही हैं, तो हम इसके पैरामीटर में जाएंगे और लिंकिंग पैरामीटर में ये फुल वर्टिकल रीट्रैक को मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमम वर्टिकल रीट्रैक। तो हमारा जो टूल है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही उठेगा। ठीक है कि नहीं, तो पैरामीटर में जाएंगे, जो भी चेंज करना है वो पैरामीटर में जाके हो। एंट्री कैसी चाहिए, हेलिकल चाहिए या रैंप वाली चाहिए, जो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे वही वाली चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया रफिंग का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे एक फिनिशिंग का टूल चला सकते हैं, हाइब्रिड चला सकते हैं, इक्वल स्केल अप चला सकते हैं, स्केल अप चला सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं तो हम हाइब्रिड चला के देखते हैं। तो हाइब्रिड जब हम चलाएंगे तो इसको सरफेस जैसे हमने पहले दी कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक अप की बार मुझे 0.1 का ही छोड़ना है सिर्फ। ठीक है, और टूल पाथ कंट्रोल नहीं चाहिए, हमारे को टूल चाहिए। तो टूल हम एक बॉल मिल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा टूल ले लेते हैं, 6 mm का बॉल मिल ले लेते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग बढ़िया तरीके से। स्टेप डाउन कितने का चाहिए, मैंने कहा जी 0.25 का चाहिए। स्टेप ओवर कितना चाहिए, 0.3। ठीक है,
वन वे की जगह जिगजैग कर लो। ट्रांजिशन ये स्मूथ वाली सिलेक्टेड है तो ठीक है ये बिल्कुल। लिंकिंग पैरामीटर में मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक कर लो और इसको ओके। तो अब ये टूल्स फिनिश का कट लगाएगा, यानी कि इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ और इसको भी मैं, ये सिर्फ पूरी इसकी सरफेस के ऊपर ऊपर हाइब्रिड है ये हाइब्रिड। अभी देखो ये सारी जगह ही चल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाउंड्री दे सकता हूँ। टूल पाथ कंट्रोल के अंदर बाउंड्री चाहिए, ये वाली बाउंड्री सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, इससे बाहर नहीं मुझे जाना। तो ये फ्लैट एरिया में भी चलेगा और सर्कुलर एरिया में भी चलेगा, दोनों साइड चलेगा। यानी कि ये जो जो भी फ्लैट सर्फेसिस है वहाँ पे भी फिनिशिंग करेगा और जो गोल जगह है वहाँ पे भी फिनिशिंग करेगा। अभी हमने इसको 0.1 मटेरियल बोला तो ये 0.1 mm मटेरियल छोड़ देगा। तो हमने क्यों छोड़ना है, हम इसको 0 ही कर देते हैं, ठीक है। और टूल सेलेक्ट है हमारा, सब कुछ सेलेक्ट है। फीड स्पीड हमारे को टूल के हिसाब से मटेरियल के हिसाब से भरनी है, ठीक है। वैसे तो जब हम 6 mm का टूल लेते हैं ना तो ये अपने आप इस उसकी फीड स्पीड भर देता है, इसके मेमोरी में है सेव्ड चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। अब अगर हमारे को इसको भी चला के देखना है तो वो भी हम चला के देख सकते हैं, और अगर हमारे को इसका भी स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है तो स्टॉक मॉडल में 1 कर दियो, ये वाला 1, और उसके बाद सोर्स ऑपरेशन में ये सेकंड वाला सोर्स ऑपरेशन है। स्टॉक कंपेयर में मॉडल सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये हमारा जो है स्टॉक मॉडल क्रिएट हो जाएगा फिनिशिंग वाला। तो यहाँ पे हमारे को दिख जाएगा कि कहाँ पे मटेरियल बचा दिया 6 mm के टूल ने, क्योंकि 6 mm का टूल भी हर जगह नहीं जा सकता, जहाँ पे शार्प एज है या कॉर्नर बना हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल 6 mm का भी छूट जाएगा। तो डिपेंड करता है हमारे इसमें मिनिमम रेडियस कितना है, उसके हिसाब से हम टूल चूज कर सकते हैं। ऑल्ट एम दबाएंगे तो ये हमारे को प्रोसेसिंग दिखाने लग जाएगा, ये ग्रीन वाली, कि कितना चल गया कितना रह गया। इस टूल पाथ को मैं हाइड कर सकता हूँ, चलने दिया जाए इसको। प्रिपेयरिंग स्टॉक, तो ये देखो ये सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर रह गए, देखो बाकी सारा उसने कटिंग कर दिया, ठीक है, ये कॉर्नर कॉर्नर रह गए। तो कॉर्नर के लिए हमारे पास पेंसिल टूल पाथ है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि पेंसिल टूल पाथ को कैसे चलाना है। फिलहाल हमारा मकसद था कि हम अगर सॉलिड वर्क से कोई मॉडल लेके आते हैं तो उसके अंदर रफिंग का और फिनिशिंग का टूल पाथ कैसे चला सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रफिंग का है, ये हमारा फिनिशिंग का, ये हमारा स्टॉक है फिनिशिंग का। तो देखो मुझे बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ रहा, स्टॉक मॉडल बनाने का फ़ायदा ये है कि बार बार वेरीफाई करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम सीधा ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को दिखाने लग जाएगा। अरे बस समझ गए, बाकी अगर वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करना।